तुम्हारा बाप क्या ठंडी यार तुम्हारा बाप क्या ठंडा पानी यार छोटू चारे घर की औरतें इतने ठंडे पानी में कैसे बर्तन धो लेती यार छोटू एक काम कर पहले पानी गर्म कर ले क्या छोटू क्या कर रहा है मछली पकड़ रहा पकड़ रही क्या कहाँ है मछली तू तो बर्तन धो रहा है अरे हाँ बाउली बर्तन ही धो रहा ना अरे तू शादी कर लेना छोटू शादी करके क्या होगा तेरे बर्तन तेरी बीवी धोगी ऐसा क्या हाँ अरे तू गुंडी देख ना फिर तेरी नजर में एक आध अच्छी लड़की होंगी तो तू लड़की से शादी करेगा हाँ तू मेरी बहन ने तो लड़के से शादी की अरे तो तेरी बहन है वो लड़के से ही करेगी ना मैं लड़का है मैं लड़की से करूँगा अच्छा लड़की से शादी करेगा फिर तो मैं भी तो एक लड़की हूँ ना मेरे से शादी करना oh, no. तू मेरे से शादी करके क्या करेगी तेरे बर्तन धो दूंगी ना मैं सारे ऐसा हाँ। तुझको बर्तन धोते आते हाँ ले धो तो इसमें क्या है तेरे मेरे बाप इनका मोल का गिलास फोड़ डाली बच्चा क्या यहाँ से ठीक है छोटू मैं क्यों आई है तो पूछ मुझे मेरा आज बर्थडे हैप्पी बर्थडे चल जा यहाँ से अरे मुझे विश तो कर अरे करो ना अभी हैप्पी बर्थडे बोला ना ऐसे नहीं वो गाल पे पप्पी देके करते ना वैसा हर बेजरा सब लाज आया बेच के गई तूने छोटू की आज भी लोगे ना शराफत की कसम खाते चल जा यहाँ से छोटू याद रख वो एक दिन आएगा कि तू खुद होके बोलेगा मुझे कि मुझे पप्पी दे ऐसा ऐसा बोले तू खुद बोलेगा पप्पी दे चल जा यहाँ से हो घर को यार ये कहावत तो सही हो गई खाया पिया कुछ नहीं गिलास पूरा मार रहा साले ये छोटू नहीं क्यों इतना इतरा था क्या मालूम इससे तो पप्पी लेकर ही रहूंगी मैं अरे गुंडे मैं तेरा सुबह क्या लाया क्या है अरे केक लाया ना क्यों लाया अरे तूने बोली थी ना मेरा बर्थडे है मेरा बर्थडे बर्थडे नहीं है तेरा बर्थडे नहीं है अरे मैं झूठ बोली थी ऐसा वो छोटू के करीब जाने के लिए छोटू के करीब जाने वास्ते तूने झूठ बोली थी मेरे से और मेरी जान मैंने इतना भारी केक बना के लाया ना इसका करूँ क्या ला इधर नो 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 गुंडे गलत कर दी मेरे साथ मैंने इतना अच्छा केक बना के लाया तू यकीन नहीं आता मालूम है क्या ये जींस पैंट नहीं लाया ये कमीज नया लाया जूता नया लाया पूरा 4,500 रुपए खर्चा हुआ और टोटल मिला के मालूम है 50 रुपए बचे मेरे पास 50 रुपए में जैकेट लाया थोड़ा खा के देखता कैसा बना खा रहा है वाट लगाता हूँ केक बनाने वाले की ऐसा केक बना देगा जाने तू सबको बोलता था हाथ अभी तू निकाल पहलवान को अर्चन पसंद नहीं है कहीं भी कुछ भी रहा पहलवान के कपड़े धोने की जगह पे छोटू बर्तन धो रहा अब भी समझ में आएगा उसके चले छोटू उड़ा तेरा बोरिया बिस्तर यहाँ से आप बोरिया बिस्तर उड़ो वो क्यों पहलवान कपड़े धोएगा यहाँ पहलवान जब पहनती नहीं तो धो रहे गाय क्या बोला रे तो कुछ नहीं हो पहलवान मैं बोला गुंडी ढूंढ रही थी तुमको गुंडी और ढूंढ रही मेरे को और मार खिलाने का क्या मेरे को और मारने का इरादा है इसका नहीं हो पहलवान आज नहीं मारेंगे आज क्यों नहीं मारेंगी लो अरे उसका बर्थडे है पहलवान आज तो बर्थडे हाँ सबको बोल रही हो क्या मेरे को विश करो विश करो मतलब क्या रे अरे पहलवान पप्पी नहीं लेते बड़े लोग गाल पे उसको बोलते हाँ पप्पी कौन लेगा रे पहलवान तुम लेंगे ना गुंडी की पप्पी मैं लूंगा पप्पी हाँ? मारेंगे तो नहीं ना नहीं हो लेकिन नहा धो के जाना पड़ेगा बा अरे तो पहलवान नहा लो ना अबे बहुत ठंडा पानी है रे पहलवान तुम्हारा पानी गर्म करे ना मैंने मेरा पानी गर्म कर दिया मैं क्या मार रहा क्या अरे वो मतलब नहीं है पहलवान मेरा
मारे नहाने के वास्ते पानी गरम करा तो हेडन लगे ले। हाँ यार छोड़ू चल छूट निकल तू। आज गुंडी की पप्पी लूंगा नहा धो के एकदम घस के नहाता। एक काम कर तुझे आज पहलवान नंगा होके एकदम घस के नहाएगा आज। हाँ पहलवान नहा तू। नहीं यार ठंडी बहुत है आज कपड़े पहन के ही नहाना पड़ेगा। बाकी पानी गर्म है कि नहीं। पानी में करंट है रे बा। पानी में करंट है। इसको भी अभी बंद होना था। शिट बार बार दिल ये आए बार बार दिल ये गाए तू जिए हजारों साल बस यही है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू। पहलवान गाना गा रहा। हैप्पी बर्थडे टू यू गुंडी। हैप्पी बर्थडे टू यू गुंडी। चल जड्डू क्या कर रहा है? लंबू गुत्तू भाई देखो पहलवान को। पहलवान कहाँ है? पहलवान वो क्या है? टू यू गुंडी। वो पहलवान की बहुत मजा आने वाली। ए, क्या है गाला गेला? कौन सी खुशी में? पहलवान तुझे विश करने आया मतलब पप्पी लेने आया। Oh, no. अच्छा गुंडी की पप्पी लेगा तू? हाँ मैं पप्पी लूँ तो? तू पप्पी लेगी? हाँ सही में? हाँ लेना वीर गाली देना ले थोड़ा और देख थोड़ा और ये अरे मेरे बाप अरे थप्पड़ मारती रही। ए, पहलवान को क्यों मारी हो तूने? मेरा बर्थडे विड्डे नहीं है। बर्थडे नहीं है? हाँ अरे बाप चोट पे और एक चोट। ये छोड़ो ना नीचा तेरे हाथ से मार खिलाते रहता। तू देखते है घाट टेम में भी। अरे तू भी ना छोटू वो पहलवान को निस्ता मार खिलाता गुंडे के हाथों। अरे वो पहलवान के नसीब में यही है तो जब तक के गुंडे का फिलहाल छोड़ते नहीं रहा ऐसे फटके खाते रहेंगे। तू चुप दे पहले। ये गाड़ी बंद पड़ गई और तू सिर को टेंशन दे रहा है। निकल यहां से। ए गाड़ी खराब हुई क्या? हाँ? अरे तो पहलवान कब काम आया ना देखो। ऐसी कोई गाड़ी नहीं बनी जो पहलवान नहीं स्टार्ट कर सकता। अच्छा तू बना देगा गाड़ी? फिर बना फिर देख जब तक मैं नहीं बोलूंगा ना गाड़ी चालू करना मत। अच्छा पहलवान कार स्टार्ट करेगा? अरे फिर अरे वो कार मैकेनिक है वो। ऐसा? हाँ ये गुंडी बोनट खोल। ये गुंडी आ? आगे सब सही है पीछे देखता जाके मैं आ? बोलूंगा सेल मारना। ये लफड़ा था पहलवान ऐसी कोई गाड़ी नहीं बना सकता। ये गुंडी आ? सेल मार। अरे वाह कर गए। फिर मैंने बोला था ना। क्या बोला कहा से मुंह काला करके? ये सब तेरी वजह से हुआ और मेरा तो सिर्फ मुंह काला हुआ। अब देख तेरा मैं क्या क्या काला करता है? अबे फिर चोट दे दिया छोटू ने मेरे को। आज के आज दो चोट दे दिया उसने मेरे को। इसका कुछ करना पड़ेगा। कुत्तों से भी बच के भागना पड़ेगा भैया ना तो दौड़ाएंगे। देखेगा कुछ बोलेगा? बहुत जटिल रेखाएं हैं।
रेखा काहे रेखा, मेरे दादा को भी रेखा चाहता था, मेरा बाप भी रेखा को चाहता था, मेरा बाप भी मर गया, दादा भी मर गया, अब मैं रेखा को चाहता, काहे पंडित जी रेखा का। अरे मैं हाथों की रेखा की बात कर रहा हूँ, फिल्मी हीरोइन को कहाँ ढूंढ रहा है तू? पंडित जी से छोड़ो, हाथ देखो। बच्चा तुम्हारे हाथ में तीन भविष्यवाणी है जो आज सच होकर रहेगी। तीन भविष्यवाणी? हाँ। अरे भविष्यवाणी ले, ये झूठे लोग आते हैं। अपमान, घोर अपमान। मेरी बोली हुई भविष्यवाणी कभी झूठ नहीं होती। अभी दूध का दूध पानी का पानी जगह पे होगा। बुंदे बता तेरा हाथ। हाँ ठीक है बताओ। पहली भविष्यवाणी ये है कि मैं जो रेखा देख रहा हूँ हाथों की, इसकी मुझको फीस नहीं मिलेगी, मैं यहाँ से बिगड़ पैसे के जाऊंगा। गुंडी खाली पैसे लेती है, किसको देती देती नहीं है। वो नहीं मिलेगी। दूसरी बता। दूसरी भविष्यवाणी है कि मेरे यहाँ से उठने से पहले तुम इसको एक थप्पड़ मारोगी। ए पंडित, गुंडी ने खाली मुझे गले लगा ले, थप्पड़ थप्पड़ मारे ले आज दिन तक। तीसरी बता। तीसरी भविष्यवाणी है कि कोई छोटू है जो तुझको बोलेगा। क्या बोलेगा? मुझे पप्पी दे। छोटू मुझे ऐसा बोलेगा कि मुझे पप्पी दे? तुम यकीनन बोलेगा। जानी अपना काम हो गया, चल निकल पंडित को लेके। फीस दे देते। तेरी भविष्यवाणी क्यों झूठी कर रहा, निकल जल्दी। अरे वो लेती देती नहीं रे पैसे पंडित। अरे यार नेटवर्क भी नहीं मिल रहा, डाउनलोडिंग पे लगाया यार, क्या करूं? ए पासवर्ड क्या? ए पासवर्ड क्या? ए पासवर्ड क्या? ए पासवर्ड क्या? मुझे नहीं मालूम, वो छोटू से पूछ, उसने मेरे को डाल के दिया। हट छोटू, पासवर्ड बता। पहले मुझे पप्पी दे। क्या बोला तू? पहले मुझे पप्पी दे। देख छोटू, मैंने बोला था ना कि तू खुद होके मुझे बोलेगा कि मुझे पप्पी दे। तो ये ले। ये क्या कर रही? तूने तो बोला पहले मुझे पप्पी दे। ओ बाउली, मैंने पप्पी नहीं मांगा, ये वाईफाई का पासवर्ड है, पहले मुझे पप्पी दे। दोस्तों अगर आपको गुंडी और छोटू की लव स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको इस सीरीज में क्या अच्छा लगा। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटा जरूर बजाइए।